देखो, मणिपुर का मुद्दा बना हुआ है और सरकार भी चाहती है कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो। मणिपुर के जो आज हालात हैं, इनके लिए आखिर दोषी कौन है? और अगर मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पाप सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए कांग्रेस हल्ला तो मचाना चाहती है लेकिन चर्चा नहीं करना चाहती है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बयान के साथ साथ जाति झड़प जो वहां पर हुई है उसके ऊपर भी चर्चा के लिए नियमित कार्यवाही जो है उसकी निलंबित को लेकर वो बात कह रहे हैं। नहीं, देखो, अब जो वहाँ के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है और कब से हो रहा है, इसके कारण क्या है, अब तक पूर्व की सरकारों ने इसके रोकथाम के लिए क्या किया, सबके ऊपर चर्चा होगी। तो जब चर्चा होगी तो सब कुछ सामने आएगा। तो मैंने कहा ना कि अगर चर्चा होगी तो कांग्रेस के पाप सामने आएंगे। आज वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो इस देश में कांग्रेस, जिसने लंबे समय तक शासन किया वो दोषी है। समय रहते अगर इसका इलाज हो गया होता तो आज ये समस्याएं सामने ही नहीं आती। तो कुल मिलाकर केवल वोट बैंक के लिए और केवल इस देश में कहीं ना कहीं एक पक्ष के साथ भेदभाव जो किया गया है, और उसी का परिणाम मणिपुर में दिख रहा है। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि आप पार्टी के नेता संजय सिंह का निलंबन किया गया, लेकिन एक शिष्टाचार अनुशासन बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, देखो, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और सरकार में तो भ्रष्टाचार में डूबी ही डूबी है, लेकिन सदन के अंदर भी जिस प्रकार से ये जो अभद्र आचरण जो इनका रहता है, अमर्यादित आचरण जो रहता है, और राज्यसभा में भी जिस प्रकार से ये स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ के ऊपर गलत हरकतें करते हैं, तो जिसको लेकर कार्रवाई हुई है। लेकिन विपक्षी दल और संजय सिंह विरोध भी कर रहे थे इस निलंबन का। नहीं, संजय सिंह तो चाहते हैं कि वो जो कुछ भी बोलते रहें, वो जो कुछ भी अभद्रता करते रहें, सब बर्दाश्त किया जाए, तो संभव थोड़ा ही ना है। अमित शाह ने बोला कि मणिपुर पर डिस्कशन करेंगे, तो कांग्रेस कह रहा है कि अमित शाह का जो बयान है सुर्खियां प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मैं पहले से कह रहा हूँ, मेरी पार्टी भी कह रही है, और जब हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है तो फिर चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस? आखिरी सवाल है, बीजेपी का ये दावा कि कोई तथ्य छुपाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, तभी चर्चा पे रोक लगा रहा है बार बार। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है ना, जब हम मैंने मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर चर्चा होगी तो कांग्रेस के पाप सामने आएंगे, और जो कांग्रेस जिसको आने नहीं देना चाहती है। आपको आज क्या लग रहा है, किस तरीके से आज पार्लियामेंट चलने की उम्मीद है? नहीं, हम लोग तो रोज उम्मीद में जाते हैं कि पार्लियामेंट चलेगी, विपक्ष को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि भगवान विपक्ष को सद्बुद्धि दे।